हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये सेफ्टी प्रोविजंस का पार्ट टू है, क्योंकि प्रोविजंस थे 21, तो एक लेक्चर में तो बड़ा बोरिंग हो जाता। आज हम सीखेंगे बाकी की बची हुई प्रोविजंस, तो आइए स्टार्ट करते हैं इन प्रोविजंस को अच्छे से समझना। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि आपको मालूम चले कब कौन सा लेक्चर आ रहा है। मेरे चैनल पर बहुत सारे सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो वो आप वहां से सुन सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट के जितने भी लेक्चर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो सीक्वेंस में सुनिए। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 30 के साथ, जो कि है रिवॉल्विंग मशीनरी के बारे में। अगर एक फैक्ट्री के अंदर किसी भी तरीके की रिवॉल्विंग मशीनरी, घूमने वाली ग्राइंडिंग मशीन लगी है, तो वहां पर बहुत जरूरी है एक परमानेंट नोटिस का डिस्प्ले। मशीन के पास या थोड़ी दूरी पर ये नोटिस हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। तो क्या लिखा होना चाहिए इस नोटिस में? इस नोटिस पर ये लिखा जाएगा कि मैक्सिमम सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड क्या है, जो ग्राइंड स्टोन यानी जो मशीन घूम रही है उसकी हद से हद कितनी स्पीड होनी चाहिए, जो शाफ्ट या स्पिंडल है उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए, जो ऊपर है, माउंटेड का मतलब होता है ऊपर। इसके अलावा डायामीटर भी लिखा जाएगा कि जो पुली है शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई उसका डायामीटर क्या है, और उसका भी स्पीड लिमिट लिखी होनी चाहिए। कभी भी स्पीड जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। हमेशा मेजर्स लिए जाएंगे स्पीड को कंट्रोल करने के, अगर वो स्पीड काम करते समय ज्यादा हो जाती है लिमिट से। सेक्शन 31 है प्रेशर प्लांट के बारे में। अगर एक फैक्ट्री के अंदर प्रेशर प्लांट लगे हुए हैं जिस कारण से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, वहां पर प्रॉपर मेजर्स फॉलो किए जाने चाहिए जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। तो अगर कभी भी प्रेशर जरूरत से ज्यादा हो गया तो उसी समय उसको कंट्रोल किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इसके रिलेटेड कई सारे रूल्स बना सकती है कि किस तरीके से प्रेशर को एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है, और क्या-क्या तरीकों से उसको कंट्रोल करना है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी फैक्ट्री को एग्जाम्पशन यानी छूट भी दे सकती है इसको कंट्रोल करने की। सेक्शन 32 में रूल्स बनाए गए हैं कि फैक्ट्री के अंदर फ्लोर मतलब फर्श कैसा होना चाहिए, सीढ़ियां या कोई भी रास्ता जहां से वर्कर्स ने या लोगों ने निकलना है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो रूल्स ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट रास्ते में नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कोई भी सब्सटेंस मतलब पदार्थ नहीं पड़ा होना चाहिए, सीढ़ियों में खास करके सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, साथ में हैंड रेल दी जाएगी जिसे पकड़कर आराम से उतरा जा सके, समय समय पर मेंटेनेंस की जाएगी, अगर कहीं कुछ टूट गया है तो उसी समय उसको ठीक कर किया जाएगा। सेक्शन 33, इसमें प्रोविजंस हैं पिट्स को लेकर। पिट्स का मतलब होता है किसी खड्डे का हो जाना। सम्प्स को लेकर, कई मशीनें ऐसी होती हैं जिसके नीचे एक सम्प बनाया जाता है जहां पर तेल या कोई भी एक लिक्विड पदार्थ इकट्ठा होता है, या फ्लोर में कहीं पर कोई ओपनिंग हो सकती है। अगर फैक्ट्री में इनमें से कुछ भी मौजूद है, वहां पर इस चीज का खास ध्यान रखा जाए कि उसकी गहराई, सिचुएशन, उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके की हो कि वो कोई भी खतरा ना पैदा करे, अच्छे से उसको कवर किया जाए, या उसके आसपास फेंसिंग लगा दी जाए, बाड़ लगा दी जाए ताकि दूर से ही वर्कर को पता लग जाए और कोई भी दुर्घटना का कारण ना बने। सेक्शन 34, ये सेक्शन है एक्सेसिव वेट के रिलेटेड। हर एक इंसान की शारीरिक क्षमता होती है भार को उठाने की, पर
अगर जरूरत से ज्यादा भार उठवाया जाए तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी खास रूल बनाए हैं कि वर्कर को जरूरत से ज्यादा सामान बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराया जाएगा। इसमें कई सारे रूल्स हैं। यहाँ पर एडल्ट के लिए, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रूल्स हैं, एडोलेसेंट के लिए अलग है और चिल्ड्रन के लिए अलग है। तो कभी भी एक्सेसिव वेट लिफ्ट करवाना मतलब उठवाना अलाउड नहीं है। सेक्शन 35 जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ आईज। हर एक वर्कर जो फैक्ट्री में काम करता है उसे प्रॉपर गॉगल्स प्रोवाइड करना जिससे आंखों के ऊपर कोई भी बुरा असर ना आए। कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें कई तरीके के सब्सटेंस निकल कर आते हैं जो कि आंखों के लिए कोई इंजरी का कारण बन सकते हैं। वहां पर सूटेबल उन्हें चीजें प्रोवाइड करना जिससे आंखों के ऊपर बुरा असर ना आए। दो पॉइंट्स यहाँ पर स्टडी किए जाते हैं। पहली इमेज में देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है तो कई सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़े उड़कर बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर वर्कर को प्रॉपर इक्विपमेंट दिया गया है उसकी आंखों को कवर करने के लिए। और कई बार फैक्ट्री ऐसी होती है जहां एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा रोशनी होती है, वहां पर भी वर्कर को गॉगल्स प्रोवाइड की जाएंगी, सेफ्टी गॉगल्स, जिससे आंखों के ऊपर कोई बुरा असर ना आए। सेक्शन 36 है प्रिकॉशंस जो कि ली जाएंगी किसी भी तरीके के खतरनाक धुएं के रिलेटेड, डेंजरस फ्यूम्स, या कोई ऐसी गैसेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाती हैं। तो कोई भी पर्सन को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो एंटर करे किसी ऐसे चैम्बर में, टैंक में, वैट, पिट, पाइप या कोई भी ऐसा कन्फाइंड मतलब बंद स्पेस जहां पर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए और वो किसी बीमारी का शिकार हो जाए। अगर कोई फैक्ट्री ये डिमांड करती है कि वर्कर को ऐसी जगह पर जाना ही पड़ेगा तो वहां पर उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये सेक्शन यही कहता है कि अगर एक वर्कर को ऐसी सिचुएशन में डाला गया है तो उसे इफेक्टिव मींस मतलब प्रॉपर सुविधाएं दी जाएंगी इग्रेस की। इग्रेस का मतलब होता है निकास, आराम से सांस ले पाना। तो वहां पर इतना बड़ा मैन होल हो जिससे वो निकल पाए, प्रॉपर ब्रीदिंग अपरेटस उसको दिया जाए कि सांस लेने में कोई मुश्किल ना हो, एक रोप के साथ उसको टाई किया जाए कि जैसे ही बाहर निकालना हो फटाफट से खींच लिया जाए। इसके अलावा जितने भी मेजर्स हैं वो सारे लिए जाएंगे। उसे अगर लाइट दी जा रही है, वो अंधेरे में जा रहा है, तो वो पोर्टेबल लाइट जो है वो 24 वोल्टेज से ज्यादा की पार की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 37 पर इससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो भूलिएगा नहीं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो ये वाला जो सेक्शन है ये इसके ऊपर खास ध्यान रखता है कि वर्कर के ऊपर कोई भी डेंजर ना आए किसी भी तरीके की डस्ट, गैस या वेपर के समय। अगर एक फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसी प्रकार की धूल आती है जब ग्राइंडिंग की जाती है तो खास प्रिकॉशंस ली जाए। अगर प्लांट ऐसा है जहां पर जगह जगह धूल इकट्ठी होती है, वहां पर प्रॉपर रोशनी हो ताकि वर्कर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। इस प्रोविजन के अंदर तीन मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो है कि इस चीजों को प्रिवेंशन करनी है, प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं रिस्ट्रिक्ट करने का कि कोई भी स्प्रेड फैलाव ना हो ऐसी गैसेस का। इसके अलावा खास ध्यान दिया जाए इन पदार्थों को रिमूव करने का। अगर कहीं पर कोई भी छूट नहीं है तो इन प्रोविजंस का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है एक फैक्ट्री के अंदर। सेक्शन 38 जिसमें बोला गया है प्रिकॉशंस लेनी क्या क्या है अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है तो सबसे पहले हर एक फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट, ऐसे उपकरण होने चाहिए जिससे आग को बुझाया जा सके। ऐसे मींस, ऐसे गेट्स बने होने चाहिए जिसे बोला जाता है इमरजेंसी एग्जिट, आग लगने पर लोग वहां से जल्दी से निकल जाएं।
प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं, जैसे कि इमेज में मैंने आपको दिखाया है, और चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहे तो राइटिंग में और ज्यादा मेजर्स लेने के लिए भी ऑक्यूपायर को बोल सकता है, ताकि दुर्घटना के समय लोगों का बचाव किया जा सके। सेक्शन 39 में बताई गई हैं वो पावर्स जो कि इंस्पेक्टर को दी गई हैं। अगर वो कहीं पर ये महसूस करता है कि कोई भी ऐसा पार्ट है जो डिफेक्टिव यानी खराब हो चुका है या उसकी स्टेबिलिटी अब नहीं रही, उसे टेस्ट करना जरूरी है। तो जब एक इंस्पेक्टर को ये लगता है कि कोई भी बिल्डिंग या उसका पार्ट या कोई भी मशीन या फैक्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो कि, ध्यान से सुनिए, डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ है, वहां पर वो राइटिंग में ऑर्डर करेगा कि मुझे इस चीज के रिलेटेड ड्रॉइंग्स दो, स्पेसिफिकेशंस दो और सारे पर्टिकुलर्स बताओ, इसे टेस्ट करो और उसकी रिपोर्ट मुझे दो। और ये सारे काम कौन करेगा? ऑक्यूपायर करेगा। इस प्रोविजन के अंदर तीन पॉइंट्स हैं। पहला तो है सेक्शन 40 सब सेक्शन 1, जिसके अंदर बिल्डिंग की सेफ्टी के रिलेटेड कई सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ऑक्यूपायर को नोटिस दिया जा सकता है कि वो प्रॉपर मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करे और बिल्डिंग को दोबारा से सही करे, अदरवाइज वर्कर की जान को खतरा हो सकता है। दूसरा है सेक्शन 40A, जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर बिल्डिंग के अंदर कोई भी ऐसी जगह है जहां पर रिपेयर नहीं की जा रही, तो ऑक्यूपायर को बोला जा सकता है कि वो जल्द से जल्द वो रिपेयर करे। सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट कराया जाएगा सेक्शन 40B के तहत। अगर एक फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा वर्कर्स हैं, वहां सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे जो समय समय पर चेक करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते समय कोई भी वर्कर किसी शारीरिक इंजरी का, पॉइजनिंग का, डिजीज का या और हेल्थ के रिलेटेड किसी खतरे का शिकार ना हो जाए। तो जो सेफ्टी ऑफिसर होंगे उसकी क्या ड्यूटी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, क्या कंडीशन ऑफ सर्विस उसके ऊपर लागू होगी, ये सारी कंडीशंस राज्य सरकार ही बनाती है। इसके अलावा सेक्शन 41 एक बहुत ही बड़ी पार देता है राज्य सरकार को, जिसके अंदर ये बोला गया है कि राज्य सरकार जब मर्जी चाहे कोई भी रूल्स बना सकती है, एडिशनल डिवाइसेस को लागू करवाने को बोल सकती है, जो भी उसे लगे कि सेफ्टी ऑफ द पर्सन को बढ़ाने के लिए जरूरी है, वो सारे नियम फैक्ट्रीज के ऊपर लगा सकती है और फैक्ट्रीज को ये सारे नियम मानने ही पड़ेंगे। तो इसके साथ ही हमारा सेफ्टी प्रोविजंस का टॉपिक पूरा हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आने वाली प्रोविजंस। तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।